हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गर्मियाँ हो गई हैं बहुत अच्छी वाली, तो क्यों ना हम घर पर ही बहुत ही कम रुपए में बनाएं पॉप्सिकल। तो देख लेते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है टैंग का पाउच, और ये 5 रुपए वाला पाउच है। इसमें 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, कई तरीके के पाउच आते हैं। तो ये मैंने 5 वाला ले लिया है पाउच, और इसको कट करके मैं डाल रही हूँ। और मैं सिर्फ टैंग और शुगर से ही बहुत अच्छी सी पॉप्सिकल बनाना बताऊंगी आपको, जो मार्केट में मिलती है वैसी ही सेम बनाऊंगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप पानी। आप पानी ज़्यादा ऐड ना करें, अगर पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो जो ऑरेंज फ्लेवर है वो बहुत ही कम आएगा। और ये है पाउडर शुगर, तो जितना आप मीठा पॉप्सिकल खाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दें। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी डाल दें, तो उसको घोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आप जार में डाल के पीस लें। और ये हल्का सा ऑरेंज फूड कलर है, इससे जो हमारी पॉप्सिकल है बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगी दिखने में। तो जब हम घर पे बना रहे हैं तो बच्चों को खिलाने के लिए बिल्कुल मार्केट की तरह दिखनी भी चाहिए। तो देखिए पॉप्सिकल का जो घोल है वो रेडी हो गया है। तो मैंने डिस्पोजल के जो कॉफ़ी वाले छोटू गिलास आते हैं वो मैंने ले लिए हैं। तो पहले मैं इनमें पूरा घोल डाल दूंगी, फिर उसके बाद में आपको जो पॉप्सिकल के सांचे होते हैं उनमें भी आपको भरना बताऊंगी। अगर आपके पास सांचे नहीं हैं तो इस तरीके के आप गिलास ले लें, बहुत अच्छे से पॉप्सिकल जम जाती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। सेम जिस शेप में आप जमा रहे हैं वैसी ही निकल के आती है। तो इसके 6 गिलास तैयार हो गए हैं। और इस तरीके से पॉली रैपिंग जो आती है वो मैंने ले ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिल्वर फॉइल ले लें आप, और इस तरीके से सारे ग्लास को कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको स्टिक फंसानी है, इसलिए इस पॉली वो लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो नाइफ से मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी, क्योंकि जो स्टिक है वो थोड़ी सी मोटी है और उसको डालने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास पतली वाली स्टिक है तो आप वो लगा दें। तो देखिए इस तरीके से जो स्टिक है वो हमारी सेट हो गई है, तो सारी मैं तैयार कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने जो आइसक्रीम का जो सांचा आता है उसमें भी भर दिया है घोल, और मैं ढक्कन को पैक कर दूँगी। तो सारी हमारी जो पॉप्सिकल हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में। बीच बीच में आप बिल्कुल चेक ना करें, आराम से 5-6 घंटे में बहुत अच्छे से जम जाती है। तो देखिए मॉर्निंग में मैंने सारी पॉप्सिकल को निकाल लिया है और बहुत अच्छे से जम गई हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलीथिन को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाएंगे, तो थोड़ा से गर्माहट से जो हमारी पॉप्सिकल है वो बहुत अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगी। और आप देखिएगा बहुत ही अच्छी दिख रही है, ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना मार्केट के जैसी। तो मार्केट में ये वाली पॉप्सिकल 10 रुपीज़ की आती है, और घर में हमने 1 रुपये से भी कम में सारी ऑरेंज पॉप्सिकल बनाकर तैयार कर ली हैं। और मैंने इस तरीके का बर्फ़ का जार ले लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो जो पॉप्सिकल है वो मेल्ट ना हो जाएं। तो आप इस तरीके से आइस के ऊपर पॉप्सिकल को रख लें, जिससे मेल्ट नहीं होंगी ठंडक की वजह से, नहीं तो गर्मी इतनी हो रही है कि तुरंत निकालते से ही हमारी जो पॉप्सिकल आइसक्रीम है वो तुरंत मेल्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से मैंने आइस के ऊपर रख दिए, और दिखने में लग रही है ना बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने बहुत ही अच्छी सी ऑरेंज पॉप्सिकल तैयार कर ली है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।